वेलकम टू अम जोआलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल तो आज मैं प्रिंसिपल एन इन एनिमल लाइफ वन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है वट इज़ इकोलॉजी विद एग्जाम्पल तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि इकोलॉजी क्या होता है विद एग्ज़ाम्पल तो चले शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिपिनीशन इकोलॉजी का डिपिनीशन क्या होता है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर एन्वायरमेंट मतलब ये एकालॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं इसमें हम इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम एंड एनवायरनमेंट मतलब हम बायोटिक और एबाटिक इंटरेक्शन uh, को क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं सम की कंसेप्ट एन एकजी इंक्लूड इसमें कुछ टर्म्स होते हैं कुछ बेसिक uh, कंसेप्ट होते हैं वो कौन कौन से होता है सबसे पहले हमारे पास आता है इकोसिस्टम हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्टिंग इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट में क्या होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं ये इंटरेक्शन करते हैं इसे क्या कहते हैं इसे एको सिस्टम कहते हैं अगर हम एग्जांपल की बात करें जिस तरह इंक्लूड अ अरलरीप एको सिस्टम कॉरलिप इको सिस्टम क्या होता है ये मतलब जिस तरह पानी में होता है ये नॉन लिविंग कोरल डीप होते हैं और फिश क्या होते हैं इसके साथ मतलब इंट्रैक्शन करते हैं विद और अगर हम लैंड की बात करें जिस तरह फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रास लैंड एकोसस्टम ये क्या होते हैं ये सब इकोसिस्टम होते हैं मतलब ये इसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग इस तरह फारेस्ट में भी लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इस तरह ग्रास ये सब क्या होते हैं एग्जांपल एग्जाम्पल इकोसिस्टम होते हैं अगर हम बात करें बायोडावर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया हाई बायोडाइवर्सिटी इज़ जनरली कंसीडर्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड फंक्शन अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है मुख्तलिफ जितने भी हमारे पास वेराटी वेराटी होते हैं मुख्तलिफ़ के स्पीशीज़ होते हैं ये क्या होता है ख़ास एरिया में ये रहते हैं जिस तरह हाई जब बायोडाइवर्सिटी हाई होता है तो ये क्या होता है एकोसस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है मतलब ये नुकसान नहीं पहुँचता है एकोसस्टम को तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ क्या होता है ये एक ख़ास एरिया में ये रहते हैं इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं बायो मीन लाइफ डाइवर्सिटी मीन जो हम कहते हैं कि ये मतलब इसमें वेराटीज़ मौजूद होते हैं अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें जिस तरह इंक्लूड रेन फॉरेस्ट विद मैनी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जिस तरह क्या होता है हमारे पास रेन फॉरेस्ट होता है एक फॉरेस्ट है इसमें मुख्तलिफ़ मख्तलिफ़ के स्पीशीज़ हमारे पास रहते हैं जिस तरह प्लांट्स हो गया एनिमल्स और अ कोरल ड्रीप विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल एंड फिश जिस तरह पानी में होता है या पर क्या होता है मुख्तलिफ़ मख्तलिफ़ के स्पीशीज़ मौजूद होते हैं जिस तरह आ, कोरल ड्रीप होता है और इसमें पिशज रहते हैं अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें पॉपुलेशन की पॉपुलेशन क्या होता है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया अब पॉपुलेशन क्या होता है पॉपुलेशन हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुल्स होता है ग्रुप ऑफ मेम्बर्स होता है ये क्या होता है ये सेम स्पीसीज होता है और एक खास एरिया में ये रहते हैं इसे क्या कहते हैं इसे पॉपुलेशन कहते हैं इकोलॉज स्टडी फैक्टर्स सच है पॉपुलेशन साइज़ में स्टडी करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड डेंसटी ऑफ पॉपुलेशन ये सब स्टडी करते हैं अगर हम एग्जाम्पल की बात करें अब पॉपुलेशन इंक्लूड अ पापुलेशन ऑफ डयर हो गया इन अ फॉरेस्ट जिस तरह और पापुलेशन ऑफ फ़िश हो गया इन अ लेक ये सब क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन होता है अगर हम कम्यूनिटी की बात करें कम्यूनिटीज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पापूलेशन लिविंग इन अ सेम एरिया अब ये क्या होता है ये हमारे पास कम्यूनिटीज़ uh, क्या होता है ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप ऑफ पापुलेशनस मतलब मख्तल कस्म के पापुलेशन रहते एक ख़ास uh, सेम एरिया में रहते हैं क्योंकि इस तरह तो, तो डिफरेंस आपने याद रखना है पापुलेशन हमारे पास क्या होता है ये अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेम स्पीशीज ऑर्गेनिज्म और एक ख़ास एरिया में रहते हैं वाइल्ड कम्युनिटीज क्या होता है ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट पापुलेशन इस पर ये वो जगह होता है जहाँ पर मुख्तफ कस्म के स्पीशीज़ मतलब मख्तल कस्म के पापुलेशन रहते हैं द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ इन अ कम्यूनिटी मुख्तिक के स्पीशीज़ क्या होते हैं इंट्रैक्शन करते हैं सच सच कम्पिटिशन होता है इसके दरम्यान प्रिडेशन होता है एंड म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है तो ये सब क्या होता है ये टर्म्स हम इसमें स्टडी करते हैं अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इंकलूड द कम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स हो गया जिस तरह एंड एनिमल्स लिविंग इन कॉल रिप और कम्यूनिटी ऑफ माइक्रोब्स लिविंग इन सॉयल तो ये सब क्या होता है ये मख्तल कस्म के पापुलेशन रहते हैं एक सेम एरिया पर जिस तरह प्लांट्स हो गया एनिमल्स कॉरिप और ये मख्तल कस्म के माइक्रोब्स क्या होते हैं सॉइल पर रहते हैं तो ये मख्तल कस्म के पापुलेशन रहते हैं एक सेम एरिया में इस तरह अगर हम एकोसस्टम सर्विस की बात करें दिनिफिट दैट ह्यूमस डिराव फ्राम एकोसस्टम सच एज पोड क्लिन वाटर हो गया एयर प्योरिफिकेशन हो गया एंड क्लाइमेटिक रेगुलेशन एग्जाम्पल इंक्लूड द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स बाय बीज ये क्या होता है इकोसिस्टम में ये पॉलिनेशन ये मख्तल कस्म के एन से करता है जिस तरह बीज हो गया और द फिल्टरिंग ऑफ पल्यूटन फ्राम वाटर बाय वट और जिस तरह क्या होते हैं जो पल्यूटनस ये सब क्या होता है ये विट जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं एंड वाटर जो वेटलैंड एरियाज होते हैं क्या होते हैं पल्यूटन को फिल्टर करते हैं इस तरह ह्यूमन इम्पेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम अब ह्यूमन का क्या असर होता है इकोसिस्टम पर ह्यूमन एक्टिविटीज सच पलूशन हैबिटेट और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये सब क्या होते हैं मुख्तलिफ़ के असरात होते हैं इकोसिस्टम पर इंसानों की वजह से जिस तरह इंसान क्या होता है पोल्यूशन करता है हवा में भी सॉयल को भी पोल्यूट कर रहे है और वाटर को भी इस तरह इसमें इस, इस वजह से ही हैबिटाट भी क्या होता है डिस्ट्रक्शन होता है मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ुम के एनिमल्स क्या होते हैं इस पर मतलब इफेक्ट पड़ता है असर पड़ता है इन क्लाइमेट भी इसे चेंज होता है हैव सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट्स ऑन एकोसस्टम अब अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें इंक्लूड द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन तो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो एसिड रेन होता है इस तरह फॉरेस्ट पर तो ये भी मतलब मुख्तलिफ़ के बेटाट पर असर पड़ता है द इफेक्ट्स ऑफ ओवर फिशिंग ऑन दरल डीप एकोसस्टम जो जिस तरह ओवर फिशिंग करता है स्पीसीज़ का तो इस तरह भी इस पर भी ये असर पड़ता है तो ये सब असर होते हैं एकोसस्टम पर इंसान की वजह से तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे दूसरे के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय